कितने सारे आती हैं यहाँ पे, दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अगर आपको दिख रहा है वो। गाइस गुड मॉर्निंग, सो आज हम लोग निकल रहे हैं जयपुर को घूमने। सो अभी कुछ प्लान नहीं किया है कि कहाँ कहाँ जाएंगे। इस वक्त हम लोग रुके हुए हैं अमेर में, ये अरावली हिल्स के पैरेलल हमारा होटल है, तो हमने उस व्यू के लिए इस यहाँ पे बुक किया था। अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। कर लिया हम लोगों ने, अभी ये देखिए मेरे पीछे व्यू कितना अच्छा है। सो बेसिकली ये व्यू के लिए हम लोग ने इस वाली प्रॉपर्टी को बुक किया था, एंड वी आर ग्लैड कि व्यू इज गुड। ब्रेकफास्ट वाज रियली नाइस, काफ़ी ऑप्शंस थे हमारे पास में। सो वी ट्राइड अ लॉट ऑफ फूड, इटालियन ट्राई किया, देन चाइनीज ट्राई किया। ये यहाँ का जिम एरिया, हम लोग रूफ टॉप पे आए हुए हैं, ये कुछ नज़ारे हैं। ये सामने आप ऐसे कुछ रेसिंग ट्रैक टाइप का देख रहे हो, जो हीरो है उसका ये रेसिंग ट्रैक है, करीब 16 किलोमीटर लंबा है। सो देन पीछे ऐसा कुछ व्यू है, एंड दिस इज़ द फ्रंट व्यू, ये बहुत सुंदर व्यू है। ऑलराइट, ये छोटा सा रूम टूर आपको मैं दिखा दूँ। ये टीवी लगी है यहाँ पे अराउंड 50 इंच। This is the workspace, and ये window view है हमारा। This is a nice painting sort of a wall, और ये हमारा bed है king size, and yeah, ये आपकी entry gate है। इसके सामने एक बहुत प्यारा सा mirror लगा के रखा हुआ है, full size I think। This is the cupboard, यहाँ पे iron वगैरह मिलता है extra। And then we have a fridge here. It's loaded with some beers and cold drink, which is chargeable. Space for coffee. Already a coffee ka place hai, we have coffee to pi liya hai. Ye kuch snacks wagera yahan par hai. These are all chargeable. So इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, आप लोग को घुमाएंगे। We are planning to go to Amber Palace and then Hawa Mahal. So let's go. कितने सारे आती हैं यहाँ पे, वाह यार। इतना तो हमने कभी लाइफ में नहीं देखे, इतने सारे हाथी एक साथ। एंड रिमेम्बर, पता ऋषिकेश में हम एक हाथी को ढूंढने के लिए कितना परेशान हो रहे थे कि एक दिख जाए हाथी बस, यहाँ तो इतने सारे लाइंस हैं। तो यहाँ पर एलिफेंट विलेज है, यहाँ करीब 100 हाथी रहते हैं। सो क्योंकि महाराजाओं के टाइम पे वो हाथियों पे ही चलते थे, और वो रहा हमारे सामने अंबर पैलेस और अमेर फोर्ट। गाइस, सो अभी हम लोग आ चुके हैं अमेर फोर्ट में, और आप देख सकते हैं हमारी सांसें फूल रही हैं बिकॉज चढ़ाई बहुत ऊंची है। और ये राजस्थानी अम्ब्रेला लिया है कृतिका ने, मैंने ये हैट ली बिकॉज धूप बहुत तेज़ एकदम सिर के ऊपर ही है, मैंने भी एक लिया हुआ इनकेस मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो। फिर विल सी। तो कृतिका कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है यार इस पर तो। सो ये रहा फोर्ट का व्यू, एंड सामने हमारे ये एक मैन मेड लेक है, इसको केसर गार्डन बोलते हैं। यार वो सीढ़ियाँ देखो कितनी ऊँची हैं, इसमें जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा हालत। Not easy, I'm telling you. This is one of the most difficult. So it has works on a same principle of violin, but it's pretty difficult. You need practice for that. Very good, nice, good job. Hello. तो अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे दीवाने आम में,
ये जगह है। यहाँ पर जो राजा होते थे वो बैठ के बाकी लोगों को, जो मुगल्स का सेम जो सिमिलर रहता था ना, दीवाने आम दीवाने खास, जहाँ पे आम जनता के बारे में सुना जाता था, उनसे बात किया जाता था, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाता था। सो ये बेसिकली टर्किश स्टाइल में बनाया हुआ एक बाथरूम है ये पैलेस के अंदर। ये देखिए ड्रेनेज के लिए बना के रखा हुआ है। एंड ये क्या लग रहा है आपको देख के? दिस इज एक्चुअली द वॉशरूम हेयर एंड इसका जो ड्रेनेज है वो यहाँ पर आ रहा है। वो इमरजेंसी के लिए कम। यस ये मेरे पीछे पुराने तरह के ट्रेडिशनल दरवाजे, इसमें से खटखटाते थे। सो ये है मेन अंबर पैलेस, इसके अंदर से हम लोग जाते हैं। एंट्रेंस में देखिए ये गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। और जब भी एनिमी अटैक करेगा तो वो स्ट्रेट नहीं आ पाएगा। बहुत ही प्यारा सा गार्डन है यहाँ पे। सो ये भी हम हॉलवे से निकल आए हैं वापस धूप में। बहुत धूप है आज। ये एकदम जायंट वोक है, जायंट कढ़ाई, बहुत बड़ी। माय गुडनेस, आप अंदाज़ा लगा सकते इसमें तो आदमी एकदम से बाथटब टाइप है, ये नहा सकता है आदमी। माय गुडनेस, ह्यूज है। ऑलराइट गाइस, सो अभी हमने अंबर पैलेस अमेर फोर्ट साथ में कर लिया है पूरा। इट्स एक्चुअली एट द सेम प्लेस। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हवा महल की तरफ। और वैसे टाइम तो हमारे पास इतना नहीं है, लेट्स सी कितना कवर कर पाते हैं, बट मज़ा आया इसको देख के काफ़ी। बट गाइज, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अमेर फोर्ट जा रहे हैं अंबर पैलेस जयपुर के पास में जो है, सो यहाँ पर आपके लिए सबसे ईजीएस्ट वे बताऊँ, अगर आप देखिए किसी छुट्टी वाले दिन आ रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल पार्किंग की जगह नहीं मिलने वाली है आपको। सो मतलब जो पार्किंग वाला रास्ता था, हम भी पहले वहाँ पे गए थे, बट वहाँ पे इतना लंबा जाम था, हमें जहाँ मौका मिला हमने गाड़ी घुमा के हम फिर यहाँ पे ले आए। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर आपको ऑटो छोड़ता है। दो रास्ते होते हैं, एक जो आपको पहले कट मारना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक थोड़ा सीधा आके फिर आपको यहाँ गाड़ी पार्क करनी होती है। सो हमने यहाँ पे पार्क करी कार, और यहाँ से आप ये जो गोल्फ कार्ट्स या इलेक्ट्रिक बैटरी की जो कार्स होती है, आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपके साथ में फैमिली मेम्बर्स हैं, थोड़े मतलब ओल्ड पीपल हैं जो चलने में जिनको दिक्कत होगी क्योंकि काफ़ी हाइट पे है, सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप कार्ट कर लो, आराम से ऊपर जाओगे, आराम से नीचे आ जाओगे। बाकी पैरों में अगर जान है
और आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप जा सकते हैं। हम लोग भी पैदल गए थे बट आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप लोग कार्ट कर लें। बहुत ट्रैफिक है यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर अभी इस वक्त जबकि कोई छुट्टी नहीं थी तब ये हाल है, तो जब समर ब्रेक होता है विंटर ब्रेक होता है तब तो क्या याद होता होगा। बिल्कुल ऋषिकेश हरिद्वार वाला जो सीन था ना शिमला और हिल स्टेशन पे, ये देखो लाइन से लगा हुआ है और एक एक किलोमीटर लंबे, छोटे भी नहीं मतलब एक एक किलोमीटर लंबे लगे हुए सारे। गाइस सो अभी रात के 10 बज रहा है और यहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स हैं सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे एकदम। ये रूफ टॉप है हमारे पीछे, वैसे तो आपको आई डोंट थिंक सो दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा अगर आपको दिख रहा है वो अरावली हिल्स है। लोग इस उम्मीद में आए थे कि यहाँ पे थोड़ा सा हलचल होगी, एक्चुअली आगरा में 10 बजे 10:30 इनफैक्ट वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा माहौल था, गाने नहीं चल रहे थे और डिनर एंड ऑल एवरीथिंग वाज देयर, बट यहाँ पे तो एकदम ही सन्नाटा पड़ा हुआ है तो थोड़े से डिसअपॉइंट होकर रखे हुए हैं। आई थिंक बस थोड़ा पीसफुल है।